हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। एक्चुअली आज 4th of November है एंड आज बाबू का छठी भी है, मीन्स 6 दिन हुए हैं और आज कुछ सरप्राइज़ भी हैं। तो चलिए दिखाते हैं हम कहाँ आए हुए हैं। तो चलिए आज का सरप्राइज़ स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं Hyundai के शोरूम में और यहाँ पे हम लोग ने एक कार बुक किया हुआ था। सो दिस वाज द सरप्राइज एंड एक्चुअली मैंने भी कार देखा नहीं है कौन से कलर का है, कैसा है, बिकॉज मैं तो हॉस्पिटल में थी और हॉस्पिटल जाने से पहले इन्होंने बुक किया हुआ था। ये ना विद इन 1 वीक ही मतलब देने के लिए रेडी हो गया था और भी थे शोरूम जिसमें कि लेट डिलीवरी था, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ से लिया है कार। और एक्चुअली भाई का ना वो मेरा भाई गया हुआ था बुक करने के लिए बाइक जो रॉयल इनफील्ड था, बट उसी टाइम में इनका भी मन कर गया मेरे हस्बैंड का कि चलो मैं भी कार बुक कर ही लेता हूँ, तो इन्होंने बुक कर लिया। और एक्चुअली बाबू का छठी भी बीच में आ गया, तो हमने सोचा कि चलो उसी दिन ले लेते हैं। तो ये जो ग्रे वाली कार है ये हमारी है और ये वेन्यू है एंड ये मतलब कलर तो मुझे बहुत ही प्यारा दिखा यार। एंड ये वॉइस ओवर मेरा भाई कर रहा है, इसी ने लिया हुआ था अभी रॉयल इनफील्ड और इसकी अभी तक एक्चुअली डिलीवरी नहीं हुई है मीन्स बाइक। सो फाइनली कार की डिलीवरी के लिए यहाँ पे सब वेट करते हुए ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पुणे में जो शोरूम है Hyundai का उसका है ये पिक। और हम लोग बहुत वेट कर रहे थे क्योंकि जो हम लोगों को मीन्स अटेंड कर रहे थे वो और भी एक कस्टमर आ गए थे, उनके पास थे, तो यहाँ पे अभी आए हैं। और जो भी होता है पेपर का मीन्स पेपर वर्क वो सब हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइन वगैरह होते हैं। ऑब्वियसली कार है और एक्चुअली हमारा कोई प्लान नहीं था अभी लेने का, सडन मतलब ये प्लान बन गया। ऐसा होता है ना कि जो चीज़ आप पहले से सोचते हैं वो नहीं होता, जब लिखा हो तभी होता है, ये तो ट्रू है। तो ये लगभग 3-4 साल से सोच रहे थे कार लेने के लिए, सॉरी, लेकिन 2 साल तो हमारा कोविड में चला गया, उससे पहले भी हम लोग नहीं लिए कि चलो ले लेंगे, बट अब जाके ये सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो कार है वो डेकोरेट हो चुका है और फाइनली कार का यहाँ पे इसी को सुला देते हैं गाड़ी के ऊपर सुला देते हैं। अरे उसी से अभी करवाना है विकास भैया। और वहाँ पे क्लीन भी हो चुका है, तो हमारे एक भैया भी आए हुए थे, विकास भैया, वो क्या कर रहे हैं उसे गाड़ी पे ही रख दे रहे हैं कि लक्ष्मी जी का पैर का छाप लेने से पहले लक्ष्मी जी को ही बैठा दो कार पे, तो ऐसा हो रहा था। और बेचारी अभी तो 6 दिन की है। एंड यहाँ पे फ़ोटो शूटिंग चल रहा है हम लोगों का, फ़ोटो विथ वीडियो एवरीथिंग। एंड बहुत सारे लोग, हम लोग तो अपने गए ही थे, फिर इधर मनीष था मीन्स मेरा भाई, फिर भैया गए हुए थे, उनके साथ एक ड्राइवर अंकल भी गए हुए थे क्योंकि तभी फर्स्ट डे था। और इनका 2 साल हो गया है मतलब कार सीखा हुआ, तो हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया कि खुद से चला के आने का। एक्चुअली वहाँ से भी एक ड्राइवर था मतलब अरेंज किया हुआ, बट भैया ही लेते गए थे तो हम लोगों को वही लेके आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर बाबू का पैर का छाप मतलब ये देना था। हाँ ले दे मनीष, बॉटल भी अंदर ही डालना, इधर से यहाँ पे बाबू का ही वही पैर वैर ओपन हो रहा है कि चलो छाप दे देगी। हो गया। और वो दूसरा वाला दीदी पकड़े ना आगे, अब लगा नहीं, नहीं देगी, उसको ठंडा लग रहा है। हाँ बस बस, रोना नहीं है, हो गया। हो गया हो गया। चलो 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 चलो। ये लग गया। हाँ तो यहाँ पे बाबू के पैर का छाप भी हो गया है। और उसके बाद वहाँ पूजा करना था तो पंडित जी नहीं थे वहाँ पे, आपको खुद से ही करना होता है। और एक्चुअल में मेरा 6 दिन ही हुआ था, मीन्स होता है ना छठी का, लेकिन ना इससे पहले ही एक दिन पहले मीन्स 5 दिन में ही हमारी एक तरह से बढ़ी हो गई थी। क्योंकि ना हमारे इधर जो लड़कियां होती हैं ना तो उनमें ना थर्सडे मीन्स बृहस्पतिवार एंड रविवार ये दोनों मैटर करता है। मीन्स कि अगर छठी से पहले ये 2 दिन आ गए ना तो आप उस दिन भगवान जी को मतलब बाल वाल धो के प्रणाम कर सकते हो। तो उस टाइम से तो हमारा ना एक दिन पहले था ये मीन्स छठी से पहले 5वां दिन जो होता है ना उसी दिन थर्सडे था, तो हमारा बड़ी ही हो गया था मीन्स बाबू का। तो इसलिए हम लोग शुद्ध तो हो चुके थे मीन्स बाल वाल धो के मैंने नहा लिया था और बाबू भी, तो इसलिए हम लोग उस दिन गए हुए थे और मैं इसीलिए पूजा भी कर पा रही हूँ। उसके बाद ये देख सकते हैं स्वस्तिक का मैंने निशान बनाया जो होता है एक शुभ चीज़, और हम लोगों में तो बहुत सारे वैसे पूजा पाठ होते हैं, फिर पंडित जी से करवाना होता है उस तरह से, बट वहाँ पे आपको खुद से ही करना होता है। फिर मैंने किया और तभी तो थोड़ा प्रॉब्लम भी था बैठने सब में, तो इसलिए यहाँ पे मतलब सीट को पीछे किया गया क्योंकि ठीक से मैं बैठ नहीं पा रही थी। मैं जब गई भी थी तो मैं कुशन लेके गई हुई थी बैठने के लिए प्रॉपर, जिससे कि कुछ तकलीफ ना हो। सो ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब कि ध्यान देना पड़ता है स्टार्टिंग पीरियड में आफ्टर डिलीवरी। सो ये जो मोमेंट होता है दिस इज़ वेरी नाइस मोमेंट बिकॉज गणपति बप्पा मोरिया। इसके हाथ से फरमा देते हैं। ले मत। हाँ बोरिया हाँ आप कैसे? आप ही कीजिए कीजिए। तो इनका ये सपना था यार कि कार मतलब हमारा, तो ये जो भैया है ना हमारे विकास भैया वो पुणे में ही रहते हैं और ये हमारे ममेरे भाई हैं और वेरी मतलब कि जेंटलमैन आप बोल सकते हो, बहुत अच्छे हैं, ऑलवेज हेल्पिंग मतलब टाइप, सो हमेशा रेडी रहते हैं। एक बार कुछ बोलो तो ऑब्वियसली भाई लोग तो ऐसे ही होते हैं यार। वो नहीं इनका ड्रीम था, पूरा हो गया फाइनली। फिर मेरा भाई लोग भी था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, सभी थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्रीम कार इनका मीन्स मेरे हस्बैंड का कि मीन्स मेरा एक कार होना चाहिए और पुणे में हमारा खुद का फ्लैट भी है तो घर तो हो गया, अब चलो एक कार भी होनी चाहिए। और बाबू आ गई तो फैमिली भी कंप्लीट। और ये सिद्धांत सर है। एंड यहाँ पे ना वो जो मतलब कि कार देते हैं डिलीवर करते हैं उनके थ्रू ये फ़ोटो हो रहा था। और यहाँ पे हमारा फाइनल हो चुका है हर चीज़, मतलब डिलीवरी का टोटल प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बचा हुआ था वो हो रहा है। और जो फैमिली पिक होता है वो एक वो लोग ना फ्रेम में करके देते हैं, सो ये वही वाला फ्रेम है फ़ोटो जो आपको दिख रहा है। और यहाँ पे सब प्रोसेस ख़त्म हमारा, अब हम लोग अपना कार ले जा सकते हैं। और ये भैया हैं, फिर वो ड्राइवर अंकल हैं, तो वो हमारा जो कार है वो ड्राइव करके ले जा रहे हैं और हम लोग एसी में हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो कि बहुत ही मतलब स्पेशल मोमेंट होता है, उससे मैं व्लॉग बना के डाल देती हूँ आप लोगों के लिए भी कि आप लोग हमारे इतने अच्छे फैमिली मेम्बर्स हो तो हमारे खुशी में आप भी शामिल हो सकें। और एक्चुअली क्या होता है ना, आप दुख बांटोगे तो दुख मिलेगा, सुख बांटोगे तो सुख होता है, ऐसा बोला जाता है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सोसाइटी में। और ये सोसाइटी। और यहाँ पे मेरी माँ पूजा कर रही हैं अगेन, मतलब मैं तो कितना भी था 6 दिन हुआ था, तो माँ को मैंने फ़ोन करके बोल दिया था नीचे आ जाना। सर 10 रुपये दोगे क्या? दोगे क्या ऐ सर? मालिक 10 रुपये मालिक। हाँ और मेरा एक भाई था वैभव, उसका तो मतलब ड्यूटी था उस दिन, तो वो अभी फ्री हुआ था तो मैंने उसे बैठाया है इसमें। मालिक 10 रुपए मालिक। और एक भाई दूसरे भाई से यहाँ मजाक करता हुआ, सो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोगों को शाम हो गया घर आते आते। उसके बाबू का छठी था रात में, गेस्ट भी आने वाले थे, तो ये व्लॉग एक्चुअली बहुत बिग हो गया है, मीन्स बहुत लॉन्ग हो गया है, इसलिए ये मैं मतलब यहीं पे स्टॉप करूँगी। छठी का व्लॉग बाबू का आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू बाय बाय, टेक केयर। सो ये छठी का है और छठी का व्लॉग भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और ये सब जो मोमेंट होते हैं ना हमारे इधर कैसे होता है छठी वगैरह, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।